तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स को नॉर्डन रीजन जाने की टनल मिल जाती है, बट उसके अंदर काफी ज्यादा हार्ड चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहले ऐश और उसके फ्रेंड्स को चार सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रेयर्स मिलते हैं जिनके पास मेगा पोकेमॉन्स थे। ऐश अपने ग्रेनिंजा का यूज करके उन चारों को डिफीट कर देता है, फिर ऐश आगे बढ़ता है। तो ऐश तीन काफी हार्ड क्वेश्चंस का आंसर देके आगे बढ़ता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और उनको तीन अलग अलग रास्ते देखने को मिलते हैं। सब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे कि कौन से रास्ते पर जाना है। वहां पर एक और क्वेश्चन था जो कि यह था कि इनमें से कौन सी टाइपिंग गैराडोस के पास है। यहां पर तीन ऑप्शन थे, अगर आपका आंसर ड्रैगन टाइप है तो सामने जाओ, डार्क टाइप है तो राइट में जाओ, और अगर फ्लाइंग टाइप है तो लेफ्ट में जाओ। ऐश बोलता है मुझे इसका आंसर पता है, गैराडोस की प्राइमरी टाइपिंग वॉटर टाइप है और सेकंड टाइपिंग ड्रैगन टाइप है। वो किसी भी एंगल से फ्लाइंग और डार्क टाइप नहीं लगता, पर तभी ब्रॉक ऐश को रोक लेता है और बोलता है कि नहीं ऐश, ये सुनकर तुम शॉक हो जाओगे कि गैराडोस एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, क्यों है ना मिस्ट्री। मिस्ट्री भी बोलती है हाँ ब्रॉक, मेरे पास काफी टाइम से गैराडोस है और वो एक वाटर और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है। ऐश सुनकर काफी शॉक हो जाता है, वो मिस्ट्री और ब्रॉक पर ट्रस्ट करके लेफ्ट साइड में जाता है और वही सही रास्ता होता है। बाकी दोनों रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐश ब्रॉक और मिस्ट्री को थैंक यू बोलता है, पर जैसे ही ऐश आगे बढ़ता है पूरे केव में अंधेरा हो जाता है और एक काफी पतला रास्ता देखने को मिलता है। अब ऐश को बिल्कुल अंधेरे में उस पतले रास्ते से जाना होगा, अगर ऐश वहां से गिर जाता है तो वो लावा में चले जाएगा। ऐश ब्रॉक मिस्ट्री और सैना सभी उस पतले रास्ते पे आ जाते हैं और ध्यान से आगे बढ़ते हैं। ऐश गिरने ही वाला होता है पर तभी ब्रॉक उसको बचा लेता है, वो वापस से उस रास्ते पर ऊपर आ जाता है। सभी काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं बट कुछ टाइम बाद वो उस रास्ते को पार कर लेते हैं। ये अब तक का हार्डेस्ट चैलेंज था, पर तभी वहां से एक आवाज आती है। वो बोलते हैं अच्छा ऐसा क्या, पर अभी और भी ज्यादा हार्ड चैलेंजेस बाकी हैं। ऐश बोलता है कि तुम कौन हो एंड यहाँ पर और कितने चैलेंजेस बाकी है। वो ट्रेनर बोलता है कि ऐसे ही इसको हार्डेस्ट चैलेंज नहीं कहा जाता, यहाँ पर काफी सारे ट्रेनर्स की तो मौत भी हो चुकी है और कुछ ट्रेनर्स यहाँ से वापस भी नहीं जा पाए हैं। ऐश को प्रोफेसरों की बात याद आती है और वो सोचता है कि मुझे सोच समझ के यहाँ पे आना चाहिए था। इस बैटल में मैं 6 पोकेमॉन्स का यूज कर सकता हूँ, वहीं पर सिर्फ तुम एक ही पोकेमॉन का यूज कर सकते हो जिसका यूज करके तुम्हें मुझे हराना होगा, बट अगर तुम मुझसे बाय चांस हार जाते हो तो तुम्हें इस केव से बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम्हें वापस से सारे टास्क कंप्लीट करके यहाँ पर आना होगा। ऐश पोकेमॉन बैटल्स में काफी कॉन्फिडेंट होता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का यूज करो। इस बार ऐश अपने पिकाचू का यूज करता है। उस ट्रेनर का सबसे पहला पोकेमॉन स्टीलिक्स होता है जिसको वो मेगा इवॉल्व कर लेता है मेगा स्टीलिक्स में। पिकाचू वोल्ट टैकल का यूज करके उस स्टीलिक्स को डिफीट कर देता है। उस ट्रेनर का नेक्स्ट पोकेमॉन होता है गारचॉम। अगेन वो अपने गारचॉम को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा गारचॉम में। ब्रॉक बोलता है कि लगता है इस टनल में जितने भी ट्रेनर्स हैं उन सारे ट्रेनर्स के पास ऐसे पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं और वो उनको मेगा इवॉल्व भी कर लेते हैं। वो ट्रेनर बोलता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल यूज करने बोलता है दोबारा से, बट ये गारचॉम पे असर नहीं करता क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। गारचॉम यूज करता है अर्थक्वेक अटैक का जो कि पिकाचू पे सुपर इफेक्टिव था और इससे पिकाचू को काफी डैमेज पड़ता है। फिर ऐश पिकाचू को क्विक अटैक और आयरन टेल का कॉम्बिनेशन यूज करने बोलता है जिसको गारचॉम डॉज कर लेता है, पर पीछे से ऐश का पिकाचू वापस से आयरन टेल का यूज करके गारचॉम को हरा देता है। वो ट्रेनर बोलता है कि मैंने इस टनल में सबसे पहली बार किसी ट्रेनर के पास एक अनइवॉल्व पोकेमॉन को देखा है। मुझे लगा तुम वीक होगे बट मैं गलत था, मेरे सबसे स्ट्रांग पोकेमॉन आने वाले हैं। वो अपने नेक्स्ट पोकेमॉन के तरह शाइनी एलिमेंट्स को भेजता है जिसको अगेन वो मेगा इवॉल्व कर देता है। ऐश का पिकाचू एक थंडर अटैक का यूज करके उसको डिफीट कर देता है। अब उस ट्रेनर के तीन पोकेमॉन आ चुके थे और वो अपने नेक्स्ट पोकेमॉन के तरह भेजता है गैराडोस को जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है। ऐश बोलता है कि पिकाचू यह हमारे लिए काफी इजी होने वाला है और वो पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है, बट उसका गैराडोस पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता जिसको देखकर ऐश ब्रॉक मिस्ट्री और सैना काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि गैराडोस एक वाटर टाइप पोकेमॉन है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप सुपर इफेक्टिव है, बट ये गैराडोस अलग था। वो ट्रेनर बोलता है कि मैंने अपने गैराडोस को नॉर्ड रीजन के एक स्पेशल जगह से पकड़ा है जिसको तुम आगे देखोगे, बट मैं ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। पिकाचू आयरन टेल का यूज करता है, वहीं पर गैराडोस यूज करता है हाइड्रो पंप का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और कोई भी नहीं हारता। फिर पिकाचू यूज करता है क्विक अटैक का जो कि गैराडोस पे लगता है। गैराडोस एक्वा टेल का यूज करने वाला होता है, पर तभी पिकाचू उसके सर पे आयरन टेल मार देता है जिससे गैराडोस भी हार जाता है। अब उस ट्रेनर के चार पोकेमॉन हार चुके थे, वो अपने पांचवे पोकेमॉन की तरह भेजता है सेप्टाइल को, अगेन वो उसको मेगा इवॉल्व कर देता है। मेगा सेप्टाइल यूज करता है लीफ स्टॉर्म का जिसको ऐश का पिकाचू काउंटर शील्ड अटैक का यूज करके डॉज कर लेता है। ये देखकर वो ट्रेनर काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। फिर ऐश का पिकाचू यूज करता है थंडर का जिससे मेगा सेप्टाइल हार जाता है। ऐश पूरी तरह से उस ट्रेनर पे डोमिनेट कर रहा था। फिर वो ट्रेनर अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह भेजता है ब्लेजिकन। वो बोलता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है जिसको तुम इतना इजीली नहीं हरा पाओगे। वो ब्लेजिकन को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा ब्लेजिकन में। ऐश बोलता है कि हम इसे भी काफी इजीली हरा लेंगे। वो पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है जिसको ब्लेजिकन डॉज कर लेता है, और देखते ही देखते वो पिकाचू के ऊपर ब्लेज किक अटैक का यूज कर देता है। ब्लेजिकन की स्पीड काफी ज्यादा थी, पिकाचू उसको देख भी नहीं पा रहा था। ब्लेजिकन पिकाचू को काफी कमजोर कर देता है, पर तभी ऐश अपने जी रिंग को बाहर निकालता है और बोलता है कि हमने एक स्ट्रेटजी का यूज करके मास्टर टूर्नामेंट
टूर्नामेंट में ऐसे ही एक काफी ज्यादा फास्ट पोकेमोन को डिफीट किया था और वह पिकाचू को 10 मिलियन थंडर बोल्ट का यूज करता है। यह अटैक आज तक कोई भी पोकेमोन डॉज नहीं कर पाया है और इसका डैमेज भी काफी ज्यादा है। ब्लेजिकन इस अटैक को सह लेता है, वो हारता नहीं है, जिसको देखकर ऐश और उसके सारे फ्रेंड शॉक हो जाते हैं। बट कुछ टाइम बाद ब्लेजिकन जमीन पर गिर जाता है और ऐश इस ट्रैंक को डिफीट कर देता है। वो ट्रैंक बोलता है कि मैं बोलना तो नहीं चाहता पर तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो, बट ये चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं थे। अब चैलेंजेस का लेवल अप होने वाला है, अगर तुम इनको पूरा कर पाते हो तभी तुम नॉर्डन रीजन जा सकते हो। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना आगे बढ़ते हैं। वहां पर उनको एक बोर्ड देखने को मिलता है जहां पर लिखा होता है सेकंड लास्ट पजल, यानी कि सिर्फ दो चैलेंजेस बाकी थे और उनको सामने गेट दिख रहा था। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर आगे भाग जाता है पर तभी वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से फिसल के एक पत्थर पे लड़ जाता है। उसको देखने को मिलता है कि नीचे की पूरी जमीन आइस से बनी हुई है और उनको स्केटिंग करके सही वाले पत्थर पे जाकर उस गेट से बाहर निकलना होगा। ये काफी टफ चैलेंज था क्योंकि हर बार ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना गलत पत्थर पे चले जाते थे स्केट करके। इसको पार करने में ऐश को 2-3 घंटे लग जाते हैं बट फाइनली वो गेट के पास पहुँच कर उससे बाहर निकल जाता है। ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी प्रोफेसर ओक का पहला नाम नहीं सुना था। बोर्ड पे लिखा होता है कि बिना किसी पोकेमोन को हील किए हुए इन सारे 100 पोकेमोन को हराकर आखिरी चैलेंज पर जाओ। यहाँ पर ऐश अपने सारे 6 पोकेमोन का यूज कर सकता था बट अगर वो हार जाते तो वो दोबारा यूज नहीं कर सकता था उनको टनल में। इन सारे 100 पोकेमोन को हराते हराते ऐश का पिकाचू और ग्रिंजा हार जाते हैं। चार्जार्ड भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसीलिए ऐश अपने आर्सेस को बाहर निकालता है और सारे पोकेमोन को लगातार हरा देता है और पहुंच जाता है लास्ट चैलेंज में, जो कि अब तक का सबसे हार्ड चैलेंज था। यहाँ पर एक काफी तेज लाइट फ्लैश होती है और सामने से आता है आयरन मास्क। ऐश उसको पहचान जाता है क्योंकि उसने ऑलरेडी इसको पोकेमोन मूवी सेलेबी द वॉइस ऑफ फॉरेस्ट में देख रखा था। ये काफी एविल कैरेक्टर था जो कि अपने डार्क बॉल का यूज करके पोकेमोन को एविल बना देता था, जिससे वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। ऐश को इस श्रेया के साथ 6-on-6 बैटल करनी थी बट प्रॉब्लम ये थी कि अब ऐश के पास सिर्फ और सिर्फ 4 पोकेमोन बचे हुए थे। ऐश कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए ये बैटल स्टार्ट होती है और वो अपने सबसे पहले पोकेमोन की तरह भेजता है शाइनी म्यूटू को। ये देखकर आयरन मास काफी ज्यादा शॉक हो जाता है बट वो निकालता है अपने सीजोर को। ये कोई नॉर्मल सीजोर नहीं था बट ये केवल सीजोर था जो कि नॉर्मल सीजोर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। आयरन मास इसको मेगा इवॉल्व भी कर देता है मेगा एविल सीजोर में। म्यूटू और मेगा सीजोर में बैटल होती है, दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देते हैं बट आखिर में शाइनी म्यूटू एक लेजेंडरी था तो वो ऑब्वियसली सीजोर को हरा ही देता है। फिर आयरन मास भेजता है अपने टायरेंटार को, ये भी एविल टायरेंटार था। आयरन मास इसको भी मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा टायरेंटार में। ब्रॉक बोलता है कि आज संभल के, मेगा टायरेंटार के बेस्ट 700 है और ये तुम्हारे शाइनी म्यूटू को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। दोनों ही पोकेमोन में बैटल स्टार्ट होती है। एविल टायरेंटार अनस्टॉपेबल था, वो म्यूटू को काफी डैमेज देता है